सबसे बड़ी खबर, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र भाजपा उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल ने किया क्षेत्र की जनता से वादा। पिड़के पार मुर्री फुलचूर क्षेत्र के घर घर तक पहुंचाएंगे जल शुद्धिकरण केंद्र का पानी, 10 गुना गति से होंगे विकास कार्य। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश और राज्य में भाजपा की सरकार है, गोंदिया में भाजपा विधायक होगा तो इस क्षेत्र में 10 गुना गति से विकास कार्य होंगे। ग्राम फुलचूर फुलूचूर टोला पिड़के पार कारंजा मुर्री के घर घर तक जल शुद्धिकरण केंद्र के माध्यम से शुद्ध पेय जल पूर्ति हेतु 31 करोड़ रुपए की लागत की पैरा अर्बन पेयजल पूर्ति योजना को मंजूरी दिलाई है। अब तेज गति से योजना का निर्माण पिड़के पार सिंचन प्रकल्प के निर्माण कार्यों को गति देनी है। उन्होंने कहा कि हमने पिड़के पार सिंचन प्रकल्प के प्रकल्प ग्रस्तों को 50 लाख रुपए हेक्टर मुआवजा देने क्रांतिकारी निर्णय सरकार से कराया है। वही क्षेत्र में अनेकों क्रांतिकारी प्रकल्पों को लाकर गोंदिया विधानसभा का चेहरा मोहरा बदलने का कार्य किया है और विकास कार्यों को गति देने के लिए एक बार पूर्ण विधानसभा चुनाव के माध्यम से आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब जनता को फैसला करना है कि फेसबुक व्हाट्सएप में अशब्द वापरने वाले हवाई नेताओं को इस क्षेत्र की कमान सौंपनी है या क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए एक बार पूर्ण विकास के नाम पर गोपाल दास अग्रवाल को यहाँ मतदान करना है। पहले भी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी जनता ने सोच समझ कर निर्णय लिया था और आगामी विकास को ही चुनने का फैसला करेंगे। ऐसे उद्धार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई आठवले के अधिकृत उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल ने ग्राम तुमखेड़ा फुलचूर टोला पिड़के पार सेंद्री टोला में आयोजित सभाओं में बड़ी संख्या में उपस्थित मतदाताओं तथा नागरिकों के समक्ष व्यक्त किए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष सीमा मड़ावी ने कहा कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक गोपाल दास अग्रवाल के माध्यम से अनेक विकास कार्य हुए हैं और अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में गोंदिया के विकास को नई ताकत मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विधायक प्रचंड बहुमतों से चुनकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रचार में हजारों कार्यकर्ता रहे हैं शामिल। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।